सब्सक्राइब कीजिए हमारी ऑनलाइन स्टडी ग्रुप को और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए इस रिंग के बटन पर क्लिक कीजिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अजय तिवारी ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं आपको किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं ये समझाऊंगा और पूरा याद करवाऊंगा आपको। मैं इतने शानदार तरीके से याद करवाऊंगा कि आपको सारे के सारे खेल और उनसे संबंधित खिलाड़ियों की संख्या अभी के अभी याद हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। बात यह है कि जो खिलाड़ी की संख्या पूछी जाती है वो किसी एक पारी में पूछी जाती है ना। जैसे कि कोई भी खेल होता है उसकी दो पारी होती है, तो उन दोनों पारियों में खिलाड़ियों की संख्याओं को हम ऐड नहीं करते हैं, हम जो खिलाड़ी की संख्या बताते हैं एक पारी की। जैसे मैं बोलूं क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं तो आप बोलो कि 11, ठीक है। मतलब एक पारी के खिलाड़ियों की संख्या के बारे में पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, आपको याद कैसे करना है देखो। सबसे पहले सबसे ज्यादा किस खेल में खिलाड़ी होते हैं जो नॉर्मल पूछा जाता है, रग्बी फुटबॉल। आपको याद करना है कि रग्बी फुटबॉल में 15 खिलाड़ी होते हैं, रग्बी फुटबॉल में 15 खिलाड़ी होते हैं। इसके बाद तीन मोस्ट इंपोर्टेंट खेल है जिनमें खिलाड़ी की संख्या बार बार पूछी जाती है, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी। कौन कौन सी? क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, इन तीनों में 11-11 खिलाड़ी होते हैं। जैसा मैं बोलूं वैसा आप क्या करना है, माइंड में सीन बनाना है। एक्चुअली होता क्या है कि जो इंसान का माइंड होता है वो कैसे सोचता है, वो सोचता है पिक्टोरियल फॉर्म में। पिक्टोरियल फॉर्म का मतलब होता है चित्रित रूप में। जैसे मैं आपसे बोलूं आम, तो आपके माइंड में आम की तुरंत इमेज आ रही होगी, ठीक है ना। इसलिए आप आम को कभी नहीं भूल सकते। लेकिन अगर मैंने बोला 1973, तो इसकी इमेज आपके माइंड में नहीं बनेगी, क्योंकि ये कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसके हम चलती फिरती देख लें या कहीं रखी हुई देखें, ठीक है। इसलिए हम जो सन वगैरह होते हैं, जो डेट वगैरह होती है, इनको जल्दी भूल जाते हैं, क्योंकि इनकी कोई इमेज नहीं होती है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, हर चीज को इमेज के रूप में ढाल के याद करना है। तो एक इमेज बनाओ कि कहीं पर पानी भरा हुआ है, ठीक है, पूल है कहीं, तो उसमें क्या किया, 7 लड़कों ने कि उसमें नेट लगा दिया बीच में, नेट, ठीक है। 7 लोगों ने वाटर में नेट लगाकर कबड्डी खेली, ठीक है। 7 लोगों ने, 7 इस साइड होगा, 7 इस साइड, उन्होंने क्या किया कि वाटर में नेट लगाकर कबड्डी खेली। तो अगर मैं बोलूं कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं तो 7। अब वाटर में नेट लगाया था, ध्यान रखना किसमें, वाटर में, तो वाटर पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं, 7। और नेट लगाया था तो नेट बॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, 7। तो ध्यान रखो बिल्कुल, आपको देखना चाहिए कि यहाँ पानी भरा हुआ है, एक पूल है, बीच में नेट लगा दिया, 7 लोग यहाँ पे खड़े हैं, 7 लोग यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है ना। और ये सीनरी बन रहा है देखो, यहाँ पे 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, बीच में एक, मतलब 7 लोग इस साइड हो गए, 7 लोग इस साइड हो गए, बीच में नेट है और यहाँ पे पानी भरा है, तो ठीक है। तो नेट से नेट बॉल, वाटर से वाटर पोलो, और खेल क्या रहा है वो कबड्डी, तो कबड्डी। इन में तीनों में 7-7 खिलाड़ी होते हैं। अब एक बात याद रखना कि वाटर पोलो में 7 होते हैं, लेकिन अगर पुल अकेला आ जाए तो 4 होते हैं। ये कैसे याद करोगे आप? तो आपको याद है वाटर पोलो में कितने हैं, 7, लेकिन वाटर पोलो में से वाटर हट गया, वाटर में कितने अक्षर हैं, 3। तो वाटर पोलो में 7 थे खिलाड़ी, तो 3 अक्षर चले गए वाटर, अब बचा पोलो अकेला, मतलब 4 खिलाड़ी, ठीक है, क्योंकि ठीक है। तो वाटर पोलो में होते हैं 7 खिलाड़ी और पोलो में होते हैं 4 खिलाड़ी, इसको याद रखना, ठीक है। अब एक ये तो सबको मालूम होगा, फिर भी टेनिस, टेबल टेनिस और बैडमिंटन, इन गेमों में एक या दो खिलाड़ी होते हैं एक पारी में, है ना। मतलब एक भी खिलाड़ी होता है और दो भी होता है ना, तो एक भी होते हैं, दो भी होते हैं, इनको याद रखना। और इसके अलावा और क्या है, हाँ, तो और भी इम्पोर्टेंट है दो गेम, एक वॉलीबॉल है, एक बास्केटबॉल, याद रखना। मैंने क्या बोला, वॉलीबॉल, दोनों में क्या शब्द आ रहा है, देखो वॉलीबॉल, एक बॉल दो बॉल, मतलब बॉल के अंदर बॉल। अगर आप किसी दुकान पर जाते हो और बोलते हो मुझे वॉलीबॉल दे दो, वो वॉलीबॉल ध्यान से मत रखो, मतलब ऐसे रखो याद करने के लिए। तो उसने क्या किया कि आपको एक छोटी बॉल, एक बड़ी बॉल, दो बॉलें दे दी, लेकिन दोनों बॉलों की कॉस्ट सेम थी, 3-3 रुपए। तो उसने कहा 6 रुपए की पड़ेंगी अगर आप वॉलीबॉल लोगे, मतलब वॉलीबॉल लोगे, एक बॉल दो बॉल वॉलीबॉल, तो कितने की पड़ेगी, 6 की।
लेकिन उसने बोला अगर तो आप बास्केटबॉल लेते हो, बास्केट में रखी हुई बॉल ले लेते हो तो एक रुपए कम हो जाएगा, मतलब 5 की पड़ जाएगी, लेकिन अगर आप दोनों बॉल ले रहे हो वॉलीबॉल तो 6 की पड़ेगी, क्योंकि वॉलीबॉल 6 खिलाड़ी होते हैं लेकिन बास्केटबॉल 5 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, तो आपको क्या क्या याद रखना है, अगर मैं बोलूं आपसे क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं तो आप बोलो 11, हॉकी में 11, फुटबॉल में 11, रग्बी फुटबॉल में 15, वॉलीबॉल में 6, वॉलीबॉल में 6 आपने बताया। यदि मैं बोलता आपसे नेट बॉल, याद रखना 3 बॉल कौन कौन सी, एक तो नेट बॉल है, एक वॉलीबॉल है, और ठीक है, तो नेट बॉल में कितने बताया था मैंने, नेट कहां लगाया था, पानी में 7 लोग खेले, तो नेट बॉल में 7 होते हैं। लेकिन बास्केटबॉल और वॉलीबॉल याद रखना, जो बास्केटबॉल है उसमें है 5 और वॉलीबॉल में है 6 खिलाड़ी। ठीक है, तो 5 6 7 5 किसमें है, 5 बास्केटबॉल में, 6 वॉलीबॉल में और 7 है नेटबॉल में। ठीक है, और पोलो में कितने हैं, पोलो में केवल 4 खिलाड़ी होते हैं, 1 और 2 किस्में होते हैं, टेनिस, टेबल टेनिस या फिर बैडमिंटन। ठीक है, आपको याद हो गए होंगे और फिर भी यदि लिखना है तो सामने लिखे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।